चले जी सब लोग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर एसबीआर सेशन मेरे दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो दिसंबर 2023 के हम क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर बात कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू कंसोलिडेशन अच्छा कंसोलिडेशन बताते खुद एक ऐसा एरिया है जहां पे शायद एक स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा घबराहट है अच्छा घबराहट इसलिए भी है क्योंकि ये सबसे पहला एग्जाम का क्वेश्चन है घबराहट इसलिए भी है कि उसको मालूम है कि वो इस एरिया के अंदर बड़ा अच्छा स्कोर कर सकता है अच्छा आपको मालूम हो कि इस एरिया के अंदर बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं अब ना कर पाए उस बात का रिस्क इतना बड़ा होता है तो उससे भी ज्यादा लोगों को टेंशन हो रही होती है प्लस अब फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है फॉर्मेट चेंज हो चुका है तो उससे रिलेटेड भी लोगों को टेंशन ज्यादा हो रही होती है अब हम जो कर रहे हैं आज की क्लास में वो आज की क्लास में लास्ट अटेम्प्ट का प्रीवियस अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन नंबर वन विच वाज़ ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज उसके ऊपर एक लास्ट सेशन के अंदर सवाल आया हुआ है उस सवाल को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर जाके आपको मालूम है मैंने आपको हमेशा ये बात बोली है कि यार देखो जितने भी सवाल अटेम्प्ट करो कोशिश करो किसी भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके अटेम्प्ट करो ताकि तुम यूज टू होते चले जाओ इसी भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से थोड़ी बहुत अभी देर भी लग रही होगी ना तो मसला नहीं है जब तक एग्जाम के अंदर पहुंचोगे तब तक वेल well प्रिपेयर हो गए दैट्स द होल आइडिया राइट तो हम जी ये सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं इस सवाल के अंदर देखें तो सवाल का नाम है कंपनी मैंने आपको हमेशा समझाया है कि सबसे पहले आप यह इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन पढ़ लिया करो फिर रिक्वायरमेंट जाया करो फिर एग्जिबिट जाया करो और फिर आंसर करना स्टार्ट किया करो वैसे ही करेंगे तो जी एग्जामिनर यह कह रहा है ज द पेरेंट कंपनी ऑफ अ ग्रुप हुई लाइट कर लीजिए आपका इंड क्या है थर्टी फर्स्टर एक्स फाइव यानी इयर स्टार्ट क्या होगा फर्स्ट जनवरी एक्स फाइव एग्जामिनर बोलता है दॉलोइंग एक्ट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है आपको तीन एग्जिबिट्स प्रोवाइड की जा रही है तीन प्रोवाइड की जा रही हैं और इन तीनों एग्जिबिट्स का कोर कंटेंट इस बारे में होगा जो पहली एग्जिबिट है वो है रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ ट्रूडोस कंपनी। एक्विजिशन ऑफ ट्रूडोस कंपनी दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ ट्रूडोस कंपनी एंड अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अच्छा अब हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश कैश्लोज बनानी है अगर इस सवाल में तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का फॉर्मेट तो आपको याद है ना हम ग्रुप के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस स्टार्ट करते थे फिर उसके अंदर हम नॉन कैश इंपैक्ट्स को ऐड बैक किया करते थे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स किया करते थे जब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे तो फार्मूला लगाते थे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस एक्विजीशन याद आ रही है सारी बात याद नहीं आ रही फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद टैक्स इंटरेस्ट पेंशन पेमेंट सब कुछ लेस करने के बाद अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आते थे इन्वेस्टिंग mm एक्टिविटीज -hmm. में सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग के मामला रिकॉर्ड किया करते थे mm -hmm. यानी मिसाल के तौर पर अगर एक्विजिशन ऑफ अ अब्सिड्री है तो कम्प्लीट से कंप्लीट बाइंग प्रोसीड वहां पर दिखाते थे डिस्पोजल है तो कंप्लीट सेल प्रोसीड वहां पे दिखाते थे कोई परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट है कोई डिस्पोजल्स है कोई इन एसेट्स हैं सब कुछ वहां दिखाते थे फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जाते थे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर सारे वो मामला जो कि डेट और इक्विटी से रिलेटेड थे यानी आपके टोटल फाइनेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जाके दिखाया करते थे और फिर अपनी कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैशलोज को कंप्लीट किया करते थे याद आ रही है बात पूरा का पूरा इनडायरेक्ट मेथड आपको याद आ रहा होगा क्लियर है ना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ़ के अंदर हमने एक बात जरूर पढ़ी थी कि जब तुम लोग अपने टी अकाउंट्स बना रहे होते थे ना, प्लांट बात का खास ख्याल रखना था कि जो एसेट्स हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अब्सिडी आए होते थे ड्यूरिंग ईयर हम उसको नॉन कैश अज्यूम किया करते थे क्योंकि इंटायर बाइंग प्रोसीड्स हम एज अ

अब आपको एक अच्छा रिकॉल हो रहा है कि सर करना था क्या एग्जामिनर ने सेकंड एग्जिबिट के अंदर आपको ये बताना है वो बात करेगा से रिलेटेड आपका और मेरा पसंदीदा से रिलेटेड बात यह करेगा इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड कबेलो ग्रुप कबेलो ग्रुप के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेगा तीसरी चीज एग्जिबिट के अंदर वो ये बताता है कि वो आपको दे रहा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। दिस इंक्लूड्स द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस टुगेदर विद द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनलाइज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड फर्स्ट दिसंबर एक्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स क्या कह रहा है भाई कह रहे एक्सिबिट नंबर थ्री के अंदर मैं आपको एक अदद ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट दे दूंगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का मैं आपको बनी बनाई एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज दे दूंगा लेकिन शायद वो सही नहीं होगी और हमें एडजस्टमेंट्स करके उसको करेक्ट करना होगा क्लियर मैंने आप लोगों को बचपन में बताया हुआ है कि कैश फ्लोज कंस्ट्रक्ट करने के लिए कम से कम दो बैलेंस शीट एक पीएनएल का डाटा चाहिए होता है तो एग्जामिनर ने हमें यह बताया हुआ है कि मैं आपको फाइनलाइज कंसोलिडेटेड का डेटा भी दूंगा इंक्लूडिंग फिगर्स यानी दो बैलेंस शीट्स का डेटा भी दूंगा अपने थ्री के अंदर तो किस तरीके से बनानी है आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश्लोज उसका डाटा मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा एग्जिबिट नंबर थ्री के अंदर जाके वहां से रिलेटेड आपने टेंशन नहीं लेनी क्लियर होती है सबको ये बात अब एक बार जब आप एग्जाम के अंदर हैं और एग्जाम के अंदर आपने ओपनिंग इंट्रो पढ़ लिया ना और पूरी कोशिश करना कि स्लो स्लो इंट्रो पढ़ो ताकि तुम्हारे दिमाग में रेलवेंट स्टैंडर्ड चलना स्टार्ट हो जाए कभी कह बच्चे क्या करते हैं बोलते हैं अच्छा, अच्छा 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 ओके 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 डायरेक्ट जाके एग्जिबिट खोली परेशान हुए फिर जाके रिक्वायरमेंट देखी मजीद परेशान हो गए गलत पहले एग्जिबिट का इंट्रो पढ़ लो फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट खोल लो फिर उसके बाद जाके आगे बढ़ जाना क्लियर रिक्वायरमेंट्स में देखो रिक्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आपके पास कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा ये सिर्फ और सिर्फ थर्टी मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ज्यादा तो है नहीं पार्ट्स के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को बांट रहा है। और, फिर एक है और एक पार्ट नंबर बी है एग्जामिनर कह रहे पार्ट नंबर ए एक्ट वन से रिलेटेड मैंने तुम्हारे सामने दो रिक्वायरमेंट बनाई है और पार्ट नंबर बी से रिलेटेड जाहिर सी बात है कि मैंने एक रिक्वायरमेंट बनाई है एग्जिबिट नंबर ए से रिलेटेड अभी वन पार्ट देख रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फोर्टीन मार्क्स का है आपके पास चौदह मार्क्स है ए मतलब तो के पार्ट वन से ले लो कैसे कह रहे एडजस्ट द पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट टू प्रिपेयर रिवाइज एक्सट्रैक्ट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कह रहे हैं एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करो और रिवाइज एक्सट्रैक्ट्स बनाओ दो हेड्स के ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसका मतलब डैश है इसका मतलब क्या है भाई इसका मतलब ये है कि आपके एग्जामिनर ने आपको कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कैशलोस का सवाल नहीं दिया वरना शायद ये चौदह मार्क का पार्ट चौबीस मार्क का पार्ट जो है बनाना पड़ता एग्जामिनर बोल रहा है कि मैंने आपको सिर्फ दो पार्ट बनाने को दिए हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर अगर दो दे ही दिए थे तो तीसरा दे ना दे के एहसान थोड़ी किया वो भी दे देता दे भाई भाई यही है क्या कर सकते हैं तो भाई ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर काम करना है फॉर द कबेलो ग्रुप फॉर द इंड्रेड थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स फाइव और ये सब होगा कहां पे यू नीड टू एडजस्ट द प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट क्लियर होती है बात ये अच्छा एक सवाल किसी ने पूछा सर इस दफा उसने एक्सप्लेनेशन का नहीं बोला तो चलो मैं तुम्हें समझा देता हूं पार्ट नंबर टू है

दस मार्क की एक्सप्लेनेशन मांग रहा है दस मार्क की एक्सप्लेनेशन अब एक बच्चा है उसने पार्ट नंबर ए के अंदर चौदह मार्क वाले पार्ट के अंदर कोई गलत एडजस्टमेंट भी कर दी लेकिन उस गलत एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन तो कम से कम सही कर रहा होगा ना भाई अगर सर यासर के लेक्चर्स लिए थे तो हम तो बड़ी डिटेल में गए थे हमने तो पूरे पूरे कैश फ्लोज बनाए थे तो अगर आपने सही समझा है और बेशक गलती से गलत कर दिया पार्ट नंबर वन के अंदर तो कम से कम उस गलती को अपनी तरफ से तो सही समझाओगे ना दस मार्क मिल जाएंगे अल्लाह माफ करे ये कोई तरीका होता है यार ये तो एग्जामिनर गिफ्ट कर रहा है आपको मार्क्स यार मैं होता तो आपको मना करता भाई ये दोनों मिला के चौदह मार्क्स समझ में आता है भाई अब आप कह आपके सर आप दुश्मन है क्या हमारे भाई कह रहा हूँ मतलब आप तो कर सकते हो ना इससे ज्यादा भाई इतना सा क्यों दे रहा है यार आपको ये ज्यादा है आपके साथ आपके टैलेंट के साथ जाती है अब मेरे भाई देखो ये जो पार्ट नंबर टू है ना दस मार्क का पहली बता रहा हूं ये पार्ट नंबर टू दस मार्क का इनशाला आपने करना है तो मैं आपको करा रहा हूं पार्ट नंबर वन पहले पार्ट नंबर वन में हम सारी की सारी गुफ्तु करेंगे सारी की सारी एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और बेस्ड ऑन हमारी सारी डिस्कशन जो पार्ट नंबर वन के अंदर रहेगी आप पार्ट नंबर टू का आंसर लिख के मुझे चेक कराएंगे तो पता चलेगा कि भाई क्या मैं ऐसे ही फेंक रहा हूं या आप वाकई में ये दस मार्क्स ले भी सकते थे एग्जाम के अंदर तो अब तो एग्जाम की तैयारी फाइनल करनी है ना तो ये पार्ट नंबर टू ए का पार्ट नंबर टू दस मार्क के लिए लिख के दिखाना खैर अभी हमारा टारगेट सिर्फ एग्जिबिट नंबर वन के अंदर पार्ट नंबर वन है और कोई हमारा टारगेट नहीं है और इसके लिए हमने पढ़ना क्या है एग्जिबिट नंबर वन हमने पढ़नी तो है जी एग्जिबिट नंबर वन सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को फेमिलियर कराने के लिए मैं पहले एक्सट्रैक्ट खोल लेता हूं कि एक्सट्रैक्ट में आपके एग्जामिनर ने आपको दिया क्या है जस्ट टू गिव यू अ फेयर बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सुने मेरी बात जरा ये देखें ये आपको ना ऑलरेडी बना के दिया हुआ द ये ये आपका जब आप करने करने जाएंगे ना, answer करने जाएंगे ना तो आपको ये extract बना बनाया नजर आ रहा होगा अच्छा एग्जामिनर ने ना भाई अब सब लोग जवाब देना बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है एग्जामिनर ने अच्छा खासा काम ऑलरेडी किया हुआ है ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है किस तरह बनाया उसने बोला भाई सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स से उसके अंदर मैंने डिप्रिसिएशन को बैक कर दिया फिर पता नहीं लाइन छोड़ी हुई है फिर उसके बाद इसने इन्वेंट्रीज रिसीवेबल्स और पेबल्स की मूवमेंट दिखाई यानी देखो यहां पे हमें एक चीज ये नजर आ रही है हो सकता है इसने नॉन कैश सारे के सारे एक्सपेंसेस या इनकम्स को एडजस्ट ना किया हो बात समझ में आ रही है नहीं यही किया होगा ना और क्या किया होगा एग्जामिनर ने पीबीटी उठाया हमें पीबीटी के अंदर सारे के सारे नॉन कैश इंपैक्ट्स को एड या लेस करना था जैसे करंट सर्विस कॉस्ट हो सकती है डेप्रिसिएशन एम्पेयरमेंट यू नो फेयर वैल्यू गेन या लॉस कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसने नॉन कैश चीजों को एड बैक नहीं किया वा Add back नहीं किया हुआ, उसने सिर्फ depreciation को बैक किया हुआ है, हो सकता है कोई और भी चीज़ हो add back या less करने वाली वो हम कर लेंगे अच्छा किसी ने अल्लाह माफ पे पे लिख दिया कि सर यहां पे इसने tax भी add back नहीं किया हुआ, मारूंगा पकड़ के मेरी जान ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना तो जिस प्रॉफिट के अंदर टैक्स कभी लेस हुआ वह ही नहीं है तो वापस एड बैक क्यों करोगे ऐसा कभी नहीं पड़ा हम लोगों ने ठीक है ना मेरे बच्चे

उ हाउ वुड द एग्जामिनर वुड हैलकुलेटेड दिस नंबर कैसे निकाला हो गए ट्रस्ट ट्रस्ट रिवर्स वाली बात हाँ ट्रस्ट ट्रस्ट रिवर्स था अच्छा ट्रस्ट ट्रस्ट रिवर्स की जो मेरी स्ट्रैटेजी थी टी टी आर वाली स्ट्रैटेजी उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाय होता था वट वॉज द फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला ओपनिंग

इसके बाद इसने निकाला है कैश फ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां पे इसका काम डन हो रहा है फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हेड है बेटा सही है इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हेड में इसने निकाला है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अच्छा हमने ये मेक श्योर sure करना है कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सब्सिडरी की एक्विजिशन की वजह से जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास आया है वो यहां पे ना नजर आ रहा हो अगर यहां पे नजर आ रहा हुआ तो इसका मतलब गलत सॉल्व हुआ हुआ है ठीक है फिर है एक कंसिडरेशन पेड़ फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रूडोस कंपनी जो के आना चाहिए है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लेकिन एग्जामिनर ने कैलकुलेट नहीं किया हुआ इसका मतलब ये कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, कौन करेगा ये एग्जामिनर ने नहीं किया हुआ तो कौन करेगा ये हम करेंगे और कौन करेगा वेरी गुड फिर उसके बाद आ जाएंगे भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी वी द पीपल वेरी गुड अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट के अंदर अच्छा ये एक्सट्रैक्ट आप जब स्प्रेडशीट के अंदर खोलेंगे अपने रिस्पांस ऑप्शन के अंदर जाके खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा एज इट इज बना हुआ आ रहा होगा एग्जामिनर ने ना कुछ एसओ का एक्सट्रैक्ट दिया है जिसके अंदर वो कह रहा है भाई जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एसओ का बैलेंस दिया साल के शुरू में थ्री वन टू फाइव थ्री हंड्रेड का ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है थ्री डबल सिक्स एट नाइन हंड्रेड बेटा उसूली तौर के ऊपर पीपीएन का बैलेंस हमेशा गिरना चाहिए इस बार बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है हमने कुछ एक्वायर किया होगा या 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 तो हमने कुछ एक्वायर किया होगा या तो कोई सब्सिडरी एक्वायर की होगी उसकी वजह से हमारे नेट एसेट्स बढ़ रहे होंगे या रिवैल्यूएशन की होगी अब इस सवाल में क्या किया है एग्जामिनर ने इनमें से हमें कैसे पता चलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक एक्चुअली मामला हुए क्या है हाउ वुड वी नो कि ये रीवैल्यूएशन है सब्सिडरी एक्विजेशन है या एक्चुअल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट रिकॉमेंड है हाउ वुड वी नो वर्किंग करना पड़ेगा ना बाबा आंसर इज वर्किंग सर हमें कैसे पता चलेगा सर वर्किंग करेंगे तब पता चलेगा सिंपल है एक्विजीशन भी है इसके अंदर ट्रूडोज कंपनी नहीं नंबर वन की जहां हम इंट्रो पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था फिर इसी तरह देखो गुडविल ओपनिंग गुडविल दी हुई है की की क्लोजिंग दी हुई है अब गुडविल बढ़ती हुई नजर आ रही है हालांकि गुडविल कभी भी रीवैल्यू नहीं होती अगर गुडविल री वैल्यू होती तो वो तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो जाती है जिसको रेकग्नाइज करने की इजाजत नहीं है तो गुडविल बढ़ती नहीं है हमेशा कम होती है गुडविल हमेशा इम्पेयर होती है तो ये बढ़ क्यों रही है अगेन एक्विजिशन एक्विजिशन थी acquisition थी तो समझ में क्या है मेरे दोस्तों वर्किंग करनी पड़ेगी भाई मैं आपसे सवाल में ये पूछूं कि यार इस सवाल में मुझे कम से कम कितनी वर्किंग करनी पड़ेगी मिनिमम वर्किंग बताओ तो आप बोलोगे सर आपको पीपीएनई &E की वर्किंग करनी ही पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है गुडविल की वर्किंग करनी करनी पड़ेगी पता लगाने के लिए कि कहीं कोई एम्पेयरमेंट तो नहीं है फिर जरा नीचे चल के देखो आपको एग्जामिनर ने डेफर टैक्स लाइबिलिटी और करंट टैक्स लाइबिलिटी के बैलेंसेस दिए हे और हम जब भी टैक्सेशन देखते हैं तो हम इसके लिए डैश काम करते हैं डैश काम करते हैं क्या काम करते हैं कंबाइंड टी अकाउंट बनाते हैं कंबाइंड टी अकाउंट बनाते हैं इसका के टैक्सेशन का हमेशा कंबाइंड टी अकाउंट बनाया जाता है क्लियर हो गई बात ये सबके लिए डन है तो कम से कम पूरे सवाल में किसी ने सही लिखा कि सर मुझे तीन वर्किंग करनी पड़ेंगी &E की वर्किंग गुडविल की वर्किंग और टैक्स की वर्किंग ये ये तीन वर्किंग तो तो आप लिख लेते अपने पास कि बेटा मैं तो ये सवाल में करूंगा ही करूंगा ठीक हो गई बात ये अब अगर ये एग्जिबिट आपको समझ में आती है ना मतलब ये वाली चीज आपको समझ में आती है तो हम एक्चुअली एग्जिबिट नंबर वन के ऊपर जा सकते हैं और वो एग्जिबिट नंबर वन जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने अच्छा मैं साइड में स्प्रेडशीट

एक्वायर्ड एट्टी परसेंट ऑफ द हंड्रेड थाउजेंड इक्विटी शेयर कंपनी ऑन थर्टी जून एक्स फाइव बोले तो एक्सैक्टली exactly मिड साल के बीच में हमारा ईयर एंड थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स फाइव है ना तो साल के बीच में कबेलो कंपनी ने अस्सी परसेंट होल्डिंग एक्वायर कर ली यानी एक लाख में से अस्सी परसेंट शेयर कर लिये अस्सी हजार शेयर्स कर लिए ऑफ ट्रूडोस कंपनी ठीक है भाई एग्जामिनर कहता है द कंसिडरेशन कंसिस्टेड ऑफ अ कैश पेमेंट ऑफ डॉलर फाइव पर शेयर फाइव पर शेयर एक्वायर्ड क्या है ये क्या कह रहा है मेरा एग्जामिनर मुझको वॉट इज दिस एनी आइडिया वॉट इज दिस दिस इज कैश कंसीडरेशन हमने सामने वाले को जब एक्वायर किया ना तो सामने वाले को एक्वायर करने के लिए जितने भी हमने उसके शेयर्स एक्वायर किए थे कितने शेयर्स एक्वायर किए थे एक लाख उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से हमने परसेंट एक्वायर किए थे यानी थाउजेंड शेयर्स हर शेयर्स के ऊपर हमने पे कितना किया है 5 तो इसका मतलब कैश कंसीडरेशन किसी ने सही लिखा कितनी हुई होगी 400000 ओके okay? वेरी गुड बेटा वेरी गुड एक्सेलेंट एग्जामिनर कह रहे उनके हर चार शेयर जो हमने एक्वायर किए हमने जो उनके चार शेयर्स एक्वायर किए उनके हर चार के ऊपर हमने एक अपना शेयर दे दिया ये डैश है ये डैश है ये डैश है ये शेयर कंसिडरेशन है वाह भाई वाह एग्जाम कहता है कबेलोस कंपनी पॉलिसी टू वैल्यू द एनसीआई एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन इसका मतलब ये डैश है ये डैश गुड गुडविल का सवाल है ये डैश गुडविल का सवाल है फुल गुडविल का सवाल है वेरी गुड िनर कह रहा है फेयर वैल्यू कंपनीज एंड ट्रूडो कंपनी हमें वैल्यू करने के लिए भी एग्जामिनर ने डाटा दिया और एनसीआई वैल्यू करने के लिए भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेते हैं बीत शेयर कंसिडरेशन शेयर कंसिडरेशन बेटा हमने उनके अस्सी हजार शेयर एक्वायर किए और हर चार के ऊपर अपना एक शेयर दिया तो एट्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फोर मल्टीप्लाई बाय वन और बेटा क्या लिखा हुआ था हमारे हर शेयर की वैल्यू कितनी थी ट्रूडोस कंपनी की शेयर की वैल्यू थी डॉलर थर्टीन ठीक है तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन पर शेयर की प्राइस से ठीक है ये जो जस्टिफिकेशन में साथ में ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना ये मेरे लिए आपको समझाने के लिए ज्यादा जरूरी है एग्जाम में टाइम ना हो तो रहने दियो तो एट्टी थाउजेंड डिवाइड बाई फोर मल्टीप्लाई बाय थर्टीन टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड जी हमारे पास क्या आ गया टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड हमारे पास क्या आ गया वैल्यू आ गया ठीक है जी ये क्लियर हो गई बात यहां पे डन अच्छा यहां पे अगर मेरे को गुडविल निकालनी हो तो मुझे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन भी चाहिए होगा वो भी साथ साथ ही बता दें हमारे अस्सी हजार शेयर्स हैं तो इसका मतलब उनके कितने होते होंगे बीस हजार शेयर्स और इन बीस हजार शेयर्स में से हर शेयर की वैल्यू कितनी थी डॉलर एट तो मल्टीप्लाई कर दू डॉलर एट से ठीक है अच्छा बिल्कुल किसी ने सही बोला सर सर मैं डायरेक्टली यहाँ पे वर्किंग दिखा दू क्योंकि मुझे बाद में चल के तो पार्ट नंबर टू के अंदर एक्सप्लेन करना है बिल्कुल यही करना चाहिए क्योंकि मैं तो पार्ट टू करूंगा नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं ऐसे ही करना चाहिए अब टोटल कंसिडरेशन यहाँ पे कितनी हो चुकी है बेटा टोटल कंसिडरेशन यहाँ पे बन चुकी है जो पूरे एंटिटी की होगी इज इक्वल्स टू एस यू एम एरो से जाके सेलेक्ट किया ए आ गया डन अच्छा अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी हो ये पहली वर्किंग समझ लो मैं गुडविल की कर रहा हूं तो अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो अब मुझे चाहिए क्या होंगे नेट एसेट्स एग्जामिनर ने लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स रिपोर्टेड बाय ट्रूडोस कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी ऑन थर्टी जून एक्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग उनके पास एक पीपीएन ही था उनके पास इन्वेंट्रीज थी रिसीवेबल था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था और ट्रेड पेबल था टोटल कैरियंग अमाउंट बन गई सेवन फोर सेवन सिक्स हंड्रेड की ये टोटल कैरियंग अमाउंट जो सेवन फोर सेवन सिक्स हंड्रेड की बनी ये मेरी किसी काम की है ये मेरी किसी काम की है बच्चे सेवन फोर सेवन सिक्स हंड्रेड मेरी किसी काम की है पता नहीं भाई ने बिल्कुल सही बोला भाई सर देरे इज अ प्रॉब्लम सर ये तो कैरिंग वैल्यू है ये तो कैरिंग वैल्यू है अपने को तो फेयर वैल्यू चाहिए होती है तो भाई देखो ना नीचे लिखा हुआ है द ओनली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑन एक्विजिशन रिलेटेड टू प्लांट व्हिच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 50000 डॉलर्स अबव इट्स कैरिंग अमाउंट 50000 डॉलर्स अबव इट्स कैरिंग अमाउंट बस प्लांट से रिलेटेड ये लिखा है ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फोर ट्वेंटी अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी जिसकी वजह से फिफ्टी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी तो आपकी खातिर थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहा हूं वैसे कोई इतनी जरूरत नहीं होती लेकिन बड़ा बड़ा कर रहा हूं क्या क्या आइटम्स है भाई हमारे पास पीपीएनई छोटा कर लेते हैं हमारे पास है इन्वेंटरीज और क्या था भाई रिसीवेबल्स नेट एसेट्स इस बार इन्होंने ऐसे लिख के दिए हुए हैं रिसीवेबल्स कैश और पेबल्स जो कि नेगेटिव होंगे ठीक है ना अब यहां पे पीपीएन ई पीपीएन जरा बताइएगा भाई कितना है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे भाई बल्कि अभी आपके लिए खातिर कर देते हैं यार क्या बात कर दी आपने भाई देखें पीपीएन की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है, थोड़ा सा डायरेक्ट चलूंगा ना भाई स्प्रेडशीट पे करो फोर ट्वेंटी वन थाउजेंड के पीपीएन ई दिया वे और पचास हजार की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको क्या अगर एक साथ ले लूं तो अभी इतना वो नहीं है ना यार एक्सेल है भाई तो यहाँ ले लेता हूँ आप लोग समझदार भी हैं डायरेक्ट ले लेता हूँ फोर ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टी डायरेक्ट कर लेता हूँ इस बार इक्विटी यानी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग तो वगैरह कुछ इस फॉर्मेट में तो नहीं दिया हुआ ना डायरेक्ट नेट एसेट्स एसेट्स मैंने लाइवलिटी के फॉर्म में, में दिए मैं तो डायरेक्ट यूं कर लेते हैं है ना इन्वेंट्रीज देखो बच्चे इन्वेंट्रीज हैं टू फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड की तो यहाँ पे आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएगा टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा ट्वेंटी फोर नाइन हंड्रेड और ट्रेड एंड अदर पेबल्स में माइनस में आ जाएगा वन सेवेंटी फाइव फोर हंड्रेड देखो मैंने लिख दिए यहां पे ठीक है इन सब को कर लेते हैं बच्चों सम सेवेंटी नाइन सेवन सिक्स हंड्रेड आ गया तो अगर ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास तो गुडविल कितना बना भाई एनी बडी कुल मी गुडविल्वेंटी थाउजेंड प्लस यानी सॉरी नेट कर लेता हूं बाईस हजार चार सौ की क्या आ रही है बेटा मेरे पास गुडविल आ रही है क्या मैंने सही कैलकुलेट कर लिया रिसीवल कैश कॉन्स्टेंट है तो यहां ये ना लिखे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ना लिखे भाई ना लिखे आप टोटल लिखते कैरियंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एड बैक

मैं ये कह रहा हूं बेहतर तरीका और सही तरीका जो एग्जाम के अंदर करते वो यूं होती कैरियंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स उठाते सही है दिस विल बी मोर एफिशिएंट सेवन फोर सेवन सिक्स हंड्रेड ठीक है ना जिसमें लाइबिलिटीज नेट हो गई सेवन फोर सेवन सिक्स हंड्रेड इसमें ऐड करते फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी पचास की और यहां पे लिख भी सकते थे तुम किससे रिलेटेड है पीपीएन ई &E से या प्लांट से रिलेटेड है ठीक है और आगे बढ़ जाते हैं। ये भी तरीका सही था मुझे बताओ सब लोगों को बात समझ में आ रही है कोई मसले मसाइल तो नहीं है क्लियर है सब लोग कंफर्म कर दो ना मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि, कि भाई मेरी आवाम को मेरी बात समझ में आ रही है डन अच्छा एक सेकंड भाई ये वाली बात भी पढ़ लो जरा नजर आती है सुन लो भाई जरा Examiner hai, the group pays tax at 30% and deferred tax was currently, correctly accounted for within the consolidated statement of financial position. SOFP is The taxation figure in the statement of profit or loss for the year ended 31st December X5 is 38,500. 38, ये जो टैक्सेशन फिगर पीएनएल की थी ना जो पीएनएल में एक्सपेंस गया है जो पीएनएल में एक्सपेंस गया है उस पीएनएल की एक्सपेंस की फिगर कितनी है थ्री एट्टी फाइव सिक्स हंड्रेड की और कह रहे हैं ये हमने एक्सपेंस वाली फिगर जो कि पीएनएल में शो करी थी यही हमने लिख दी है एज टैक्सेशन पेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या यह काम सही किया है एग्जामिनर ने या गलत किया है एग्जामिनर ने पीएनएल वाली वैल्यू कैश पेड वाली वैल्यू के बराबर तो नहीं होती ना समझ में आ रही है ना बात पीएनएल की वैल्यू अलग है और कैश पेड की वैल्यू अलग है हमें इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा एक्सेलेंट इसका चल के आगे देख लेंगे अच्छा एक चीज मेरे दिमाग में ये आ रही थी एग्जामिनर ने बोला है यहां was currently correctly accounted for within the consolidated statement of financial position अगर डेफर टैक्स करेक्टली अकाउंटेड फॉर है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे डेफर टैक्स आ रहा होगा वो भी एग्जामिनर ने अकाउंट फॉर किया होगा ये बात क्या हम हाँ, मिस नहीं करने वाले थे भाई आपने पढ़ा है ना टॉपिक डेफर टैक्स ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और डेफर टैक्स ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अगर अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है तो आपकी कैरियंग वैल्यू बुक्स की ज्यादा हो गई होगी टैक्स बेस वहीं का वहीं रहा होगा तो अगर आपकी कैरियंग वैल्यू ज्यादा हो गई है और टैक्स बेस वही का वही रहा तो क्या एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस जिसके ऊपर एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती होगी वो भी यहां पे क्रिएट नहीं हुआ होगा मानते हैं आप लोग ये बात ये नहीं मानते भाई कैरियंग वैल्यू टैक्स बेस और टेम्पररी डिफरेंस माने ना आप लोग इस बात को आपके पास अपवर्ड

30% से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 15000 इस 15000 की डेफर टैक्स लाइबिलिटी मुझे क्रिएट करनी है ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ अ सब्सिडियरी कोई अकाउंटिंग एंट्री बताओ मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री बताओ जल्दी से इसकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनानी है और एग्जामिनर ने भी बनाई होगी वो कितने की डीटीएल क्रेडिट किया होगा 15000 से मैंने बता दिया डेबिट किया किया होगा ये बता दो बस वेरी गुड यही तो समझाना चाह रहा हूं इसका गुडविल के अंदर it's, it's बात समझ में आ रही नहीं आ रही यानी आप यहां जाके देखें आप नेट एसिड्स की वर्किंग बना रहे थे तो अगर आप नेट एसिड्स की वर्किंग बना रहे हैं थोड़ा सा मैं इसको नीचे पेस्ट कर रहा हूं तो आप जब नेट एसेट्स की वर्किंग बना रहे हैं तो इसमें एक डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी तो शामिल करेंगे पंद्रह हजार की तो जब आप ये पंद्रह हजार की बैलेंस शामिल करेंगे अपनी वर्किंग के अंदर नेट एसेट्स की वर्किंग के अंदर तो ऑटोमैटिकली आपके नेट एसेट्स कम नहीं हो जाएंगे सेवन एटी टू सिक्स हंड्रेड की नहीं हो जाएंगे और फिर जब आप जाके गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो आपकी गुडविल कैलकुलेट होके कितनी की आ रही होगी थर्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड की मुझे बताएं सबके लिए क्लियर है ये गुडविल तक की वर्किंग समझ में आ रही है सब बताओ यार देखो एक एक आदमी बताया करो इतने सारे लोग हैं सब बताया करो अच्छा एक सवाल आया है कि सर डिप्रिसिएशन फिफ्टी थाउजेंड पे कैलकुलेट करेंगे या थर्टी फाइव थाउजेंड पे भाई देखो एसेट तो डेबिट पचास हजार सही हुआ है ना एसेट तो डेबिट पचास हजार सही हुआ है उसके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो लेकिन लाइबिलिटी तो एक सेपरेट अकाउंट है ना लाइबिलिटी तो पंद्रह हजार की जो डेफिट टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई वो तो सेपरेट हेड है ऑफ अकाउंटिंग एसेट तो पचास हजार से डेबिट हुआ है तो जब पचास हजार से एसेट डेबिट हुआ तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन निकलेगी वो पचास हजार के ऊपर ही निकलेगी ना लाइबिलिटी इज अंप्लीटली सेपरेट टॉपिक ऑल गुड सब साथ हैं सब लोग ऑल गुड डन है ना वेरी गुड आगे आ जाओ भाई जरा अच्छा खैर एग्जामिनर ने हमें ना यहाँ पे कुछ बातें बताई हुई थी एग्जामिनर ने बोला हुआ था कि भाई ये सब करेक्टली अकाउंटेड फॉर है टैक्स वैक्स की वर्किंग ना सब सही की हुई है पीएनएल बैलेंस शीट में सब सही किया हुआ है और एक गलती एग्जामिनर ने यहाँ हमें जरूर बताई थी और वो गलती क्या थी कि एग्जामिनर ने हमें बता दिया था अल्लाह माफ करे कि ये जो टैक्सेशन फिगर जो पी वाली फिगर थी ना यही वो लेके चले गए हैं अपने ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो कि गलत है जो कि गलत है हमें करेक्ट करना पड़ेगा हमें टैक्स पेड की फिगर लेके जानी होती है टैक्स एक्सपेंस की फिगर कैश फ्लो में नहीं लेके जानी होती ऑल गुड सब साथ है ना भाई सब रिप्लाई किया करो भाई ओके okay? आगे आ जाए एग्जामिनर कह रहे भाई द ग्रुप्स फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एक्यूरेटली कंप्लीटेड द कंसॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एंड कंसोलीटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रेहेंसिट देश हमें सब आता था सब आता है हमको बस कैश फ्लो नहीं आता स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमारा भी यही हाल है सब आता है बस कैश फ्लो नहीं आता गलत बात है ना ऐसे नहीं कहना चाहिए यार गुना मिलता गुना भी मिलता है अपने को बुरा भी लगता है ठीक है ना भाई आगे आ, आ जाओ जरा

एग्जाम कह रहे हैं द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फिगर्स फॉर फॉर मूवमेंट इन इन्वेंट्रीज जरा सुनना भाई काम की बात लग रही है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फिगर्स फॉर मूवमेंट इन इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट हैव बीन कैलकुलेटेड बाई कंसिडरिंग सिंपली द डिफरेंसेज इन द इंड बैलेंसेस इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फ्रॉम थर्टी फर्स्टर एक्स फोर टिल एक्स फाइव मुझे कोई समझा दे कि एग्जामिनर क्या क्या रहा है इस बात से आसान सौ खुशबू आसान तरीके से समझा दें अरे यार आला बात की है तुमने पहले बात करता हूं इन्वेंट्रीज रिसीवल पेबल यानी वर्किंग कैपिटल की एग्जामिनर ने जब यह बोला ना कि हमने दो बैलेंस शीट उठाई एक्स डिफरेंस को ले लिया कैश फ्लो के अंदर तो इसका मतलब जब उन्होंने inventory, और payable में ओपनिंग बैलेंस शीट यानी पिछले साल की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट के बैलेंसेस को कंपेयर किया और डिफरेंस को ले गए कैश फ्लो के अंदर तो इसका मतलब एग्जामिनर ने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वाला स्टेप कर लिया एग्जामिनर ने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वाला स्टेप कर लिया है अपनी ड्राफ्ट कैश फ्लो के अंदर क्या नहीं किया आपके ग्रुप फाइनेंशियल कंट्रोलर ने क्या नहीं किया उसने सिर्फ प्लस एक्विजिशन वाला काम नहीं किया उसने सिर्फ प्लस एक्विजिशन वाला काम नहीं किया उसने नहीं किया तो कौन करेगा उसने नहीं किया ना तो कौन करेगा हम करेंगे सिंपल है भाई उसने नहीं किया तो कौन करेगा हम करेंगे ना भाई भाई आप छोड़ो ना अभी कर लेते हैं सिंपल भाई इन्वेंट्रीज रिसीवेबल पेबल तो अभी कर लेते हैं ये है इन्वेंटरी रिसीवेबल और नीचे आ रहा है पेबल मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूं भाई इन्वेंट्रीज आ गया ओहो रिसीवेबल्स आ गया और पेबल आ गया ये तीन चीजें उसने अपनी ड्राफ्ट स्टेट कैश कैशलोस के अंदर कंसिडर नहीं की हम कर लेते हैं ऊपर चलो ये देखो यही था ना यही था ना ये रहा मैं यहां पे लिखता हूं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ठीक है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में उसने एक्विजिशंस का इंपैक्ट नहीं लिया हुआ तो मैं भी तो यही कह रहा हूं बस ले लो तो क्या क्या बैलेंसेस थे मुझे बताना जरा फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड टू फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड और पेबल को भी ले लेते ले हैं वन सेवेंटी फाइव फोर हंड्रेड वन सेवेंटी फाइव फोर हंड्रेड बस ले लिया हमने फॉर्मूला पूरा कर दिया हमने फॉर्मूला पूरा कर दिया खत्म कर दी बात को सिंपल एज सिंपल एज दैट यही करना था ना कर दी ओके आगे आ जाए भाई जरा आगे आ जाते हैं सवाल को पढ़ लेते हैं सवाल जरा दीजिएगा हाँ भाई एक एडजस्टमेंट तो मैंने भाई कर दिया आपके साथ हां अच्छा इसने बोला हुआ था कि हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी जो निकाला है ना वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के डिफरेंस से निकाला है क्या सही किया एग्जामिनर ने एग्जामिनर ने सही किया है ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस से निकाला तो जो डिप्रिसिएशन होगा या एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी की वजह से जो पीपीएन के बैलेंसेस मूव हुए होंगे उनका इम्पैक्ट भी ले गया वो उसने ओपनिंग बैलेंस शीट उठाई कंसोलिडेटेड क्लोजिंग बैलेंस शीट उठाई कंसोलिडेटेड दोनों के डिफरेंस को ले गया कैश फ्लो के अंदर तो भाई इसके अंदर इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी कंसिडर कर लिया आपने जो है वो एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी वाले बैलेंसेस का इंपैक्ट भी कंसिडर कर लिया हालांकि एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी तो नॉन कैश होता है हमारे मुताबिक गलत किया एग्जामिनर ने गलत किया है हमें सही करना पड़ेगा अभी कर लेते हैं अभी कर लेते हैं अभी कर लें अभी कर लेते हैं तो अभी कर लेते हैं चले ना हम टी अकाउंट बनाते हैं एनी आइडिया बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं सर कैश फ्लो के सवाल में टी अकाउंट कैसे बनाए पता है कैसे बनाते हैं कैश फ्लो के सवाल में टी अकाउंट कैसे कैसे ऐसे सुनिएगा डेबिट क्रेडिट लिखा मैंने सही है अच्छा ये डेबिट क्रेडिट मैंने दो कॉलम क्या बनाया है ये मैंने टी बना लिया ना एक डेबिट साइड हो गई एक क्रेडिट साइड हो गई पी बन गया आपका इसमें कोई टैलेंट थोड़ी है फॉर्मेट देखो ओपनिंग बैलेंस आता है पीपीएनई &E के अकाउंट का याद है ना देखो तुमको तुमको कंटेंट याद होना चाहिए वरना नहीं पढ़ पाओगे बेटा ओपनिंग बैलेंस आता है फिर इसमें बताते चले जाओ क्या क्या आता है भाई जरा थोड़ी हेल्प कर लो मेरी थोड़ी हेल्प कर लो भाई क्या क्या आता है भाई मैं इसके अंदर एड करूंगा एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी क्लोजिंग भी आता है थैंक यू वेरी मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगा कोई परचेज ऑफ पीपीएनी ठीक है मैं इसके अंदर से लेस करूंगा डिस्पोजल ऑफ पीपीएनी मैं इसमें से लेस करूंगा एनी डेप्रिसिएशन और एम्पेयरमेंट आपकी खातर ये भी लिख दिया और कोई revaluation, मुझे वगैरह सवाल में नजर नहीं आया इसलिए मैंने लिखा नहीं मतलब हम लिख सकते हैं तो है? तो है ना वो तो जब मैं सब्सिडरी को लेके जाऊंगा सब्सिडरी को तो मैं पूरा इम्पैक्ट एक साथ ले लूंगा चाहो तो अलग अलग ले लो आई मीन इट्स चॉइस आप अपने आप आप, आप, आप वैसे कर लीजिएगा मैं ऐसे कर लेता हूँ ओके है ना मतलब मसला तो नहीं है ना इसके अंदर कोई मैं डायरेक्ट एक्विजिशन और सब्सिडी नहीं पचास हजार लेके के चला जाऊंगा खैर फिर क्या आ जाएगा बेटा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आसान में कुछ एड वेड करना हुआ तो अभी कर लेंगे ना मतलब एत, टेंटेटिव बना रहा जब तो ये तुम कर लो ना जब ऐसे कुछ टेम्पलेट अपने पास बना लो तो नीचे एक बैलेंस बना लेना टोटल के नाम से नीचे एक बैलेंस बना लेना टोटल के नाम से और इस पे सम का फॉर्मूला लगा दो सम डेबिट साइड सम क्रेडिट साइड और डेबिट और क्रेडिट का कहीं डिफरेंस निकाल लो बराबर वाले मुझे पता लगता रहे कि मेरी और क्रेडिट साइड बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही क्योंकि मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है ना तो पहले मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा और फिर बैलेंसिंग फिगर को टी अकाउंट में जाके रख दूंगा तो मेरी दोनों साइड बैलेंस हो जानी चाहिए क्लियर है ना बच्चों ठीक है ना अब मेरे साथ मिलके जरा बनाए मुझे जरा सब लोग बताइएगा मुझे पीपीएन E का टी अकाउंट बना रहा हूं वर्किंग नंबर टू है पीपीएन E का टी अकाउंट बना रहा हूं आप लोगों के साथ मिलके मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए किधर से मिलेगा और क्विकली क्विकली रिप्लाई करना भाई सब लोगों ने रिप्लाई करना है साइला बताइए वेयर डू आई फाइंड ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से मिलेगा

Closing भी उठा लू बच्चे क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आता है ना देखो टी अकाउंट बनाना बेसिक अकाउंटिंग बैलेंगे बोलो सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई Done है ना मुझे साथ ये बताओ कि साथ मुझे चाहिए यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी का बैलेंस जिसको याद रखना मैं लेता हूं नॉन कैश देखो ये सब लिख इसलिए रहा हूं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमने सब एक्सप्लेन करना है ए के पार्ट टू के अंदर तो मुझे बताओ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी कहां से मिलेगा मुझे एक्सिबिट नंबर वन से मिलेगा याद है हमने जब सब्सिडरी एक्वायर की थी तो उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस आया था फोर ट्वेंटी वन थाउजेंड का और जिसके अंदर अभी मुझे किसी ने याद दिलाया था कि सर पचास हजार की इसमें अपवर्ड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है हमने सामने वाली कंपनी को अपने अंदर कंसोलिडेट किया होगा बमे यानी इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के तो यहां पर कितना बैलेंस ले लू यहां पर सेल पे जाते फोर ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड इज एवरीबडी गुड गुड विद दिस वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरी वन प्लीज शाहजेन प्लीज लेट मी नो इज एवरी वन गुड विद दिस ठीक है शाहजेन सेट सम अबाउट टैक्स टैक्स किधर से आ गया भाई शाहजेन टैक्स क्यों आएगा यहाँ पे बेटा डेफर टैक्स की एंट्री बनी थी गुडविल डेबिट डी टी एल क्रेडिट टैक्स एक सेपरेट लाइबिलिटी है सेपरेट चीज है उसका पीपीएन ई से क्या ताल्लुक? टैक्स निकला पीपीएनई के ऊपर है लेकिन पीपीएन डेबिट टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट थोड़ी किया था मैंने मैंने तो गुडविल डेबिट और टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट किया था मेक सेंस जी भाई ओके okay? डन अच्छा कोई परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एग्जिबिट दोबारा देख लेता हूं कोई बनी बनाई परचेज तो नहीं दी हुई

जिसका नंबर उसने नहीं बताया उसने नहीं बताया तो आप कौन निकालेगा आप निकालेंगे तो डिस्पोजल्स पहली बात जीरो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमें खुद निकालना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन का नंबर एग्जामिनर ने जरूर दिया हुआ था देखो कोई सवाल में रिवैल्युएशन नहीं है सिक्स टू फाइव जीरो सिक्स जीरो तो डेप्रिसिएशन में लिख रहा हूं यहां पे सिक्स सिक्स टू फाइव जीरो सिक्स जीरो कोई मुझे बता सकता है कि यहां पे बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी कैन एनीबडी मी वॉट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर हेयर कैन एनी बडी मी वॉट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर हेयर और अगर किसी ने अभी कैलकुलेटर उठा के बोला ना कि सर कैलकुलेट करके बताता हूं कि क्या बैलेंसिंग फिगर होगी मार डालूंगा सामने नजर आ रही है बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर आंखों के सामने नजर आ रही है ओ भाई, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है डेबिट साइड का टोटल आ रहा है थ्री फाइव नाइन सिक्स थ्री डबल जीरो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है फाइव टू नाइन थ्री नाइन सिक्स जीरो दोनों मैच नहीं कर रहे दोनों मैच नहीं कर रहे ना डेबिट और क्रेडिट तभी तो टोटल लगाया था यहां पे टी अकाउंट बन गया ना टोटल तभी तो लगाया था अब ये मैच नहीं कर रहे तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है सिक्स नाइन सेवन डबल सिक्स जीरो का डेबिट साइड सिक्स नाइन सेवन डबल सिक्स जीरो से कम आ रही है तो अगर मैं बैलेंसिंग फिगर के नाम पे जाके ये नंबर डालूंगा तो क्या टी अकाउंट बैलेंस नहीं हो जाएगा मुझे बताओ भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही बताओ भाई सब लोग सिक्स नाइन सेवन डबल सिक्स जीरो इज द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वैल्यू everybody please confirm me everybody is everybody clear on this everybody clear on this सब बताओ नहीं सब बताओ all good अच्छा भाई चलो मेरा दूसरा सवाल इस पी अकाउंट से रिलेटेड कितनी चीजें मेरी कैश फ्लो में नजर आएंगी कितनी चीजें नंबर बताओ How much? Said one. और कोई डेप्रीसिएशन भी नजर आएगी ना भाई डेप्रीसिएशन भी तो नजर आएगी oh -oh. एक सेकेंड मुझे इसका ये टॉप वाले लिखे हुए नजर नहीं आ रहे खैर विक्स टू फाइव जीरो सिक्स जीरो की ये भी तो आएगी डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं ऊपर चलते हैं ये रही है हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस यहाँ पे मैं लिख देता हूं पी पी एंड ई इसको अच्छा सा लिख देते हैं ना बल्कि ये लिख देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड अच्छा देखो डेप्रिसिएशन एग्जामिनर ने ऑलरेडी लिखी हुई है बेटा डेप्रिसिएशन नॉन कैश होती है लेकिन एडबैक भी तो करना होता है एग्जामिनर ने डेप्रीसिएशन ऑलरेडी लिखी हुई बच्चों लिखी हुई ऑलरेडी तो क्या दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं है एग्जामिनर ने ऑलरेडी वो काम किया हुआ है इसकी कैश फ्लोस के के अंदर अंदर हाउएवर अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जाए तो इन्होंने एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाई हुई थी फाइव फोर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड की और मैं कितनी दिखाना चाहता हूं सिक्स नाइन सेवन डबल सिक्स जीरो की तो इसका मतलब मुझे इस वाले नंबर को हटाना पड़ेगा मैंने लिखा इज इक्वल्स टू माइनस इस वाले नंबर को एड बैक कर दिया एड बैक कर दिया और दिखाना कितना है मैंने माइनस करके नीचे लेके जा रहा हूं नेगेटिव नंबर इसलिए रखा क्योंकि परचेजेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक आउटफ्लो होगा मैंने माइनस कर दिया सिक्स नाइन सेवन डबल सिक्स जीरो से इसका मतलब यह हुआ कि मुझे एडजस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 543600 सिक्स में डबल सिक्स जीरो बन जाए वन फाइव फोर जीरो सिक्स जीरो आप समझ में आ रही है मैंने वन फाइव फोर जीरो सिक्स जीरो यहां पर क्यों लिखा यह एडजस्टमेंट है ना यह एडजस्टमेंट है कोई बच्चा चाहे बेसिकली एडजस्टमेंट मैंने निकाली कैसे अगर आप नोट करें मैंने 543 600 को सिक्स हंड्रेड कर दिया और उसकी जगह सिक्स नाइन सेवन सिक्स जीरो को मैं माइनस में लेकर आ गया तो टेक्निकली मेरी स्प्रेडशीट ने बोला कि भाई इसका मतलब तुम डिफरेंस एडजस्टमेंट कर रहे हो अपने सवाल में वन फाइव फोर जीरो सिक्स जीरो की और देखो मैंने फॉर्मूला लगा के किया ना तो मेरे एग्जामिनर को ट्रेस करना भी आसान है कि ये काम मैंने कैसे किया है मुझे बताओ सब लोगों को बात समझ में आ रही है कोई टेंशन तो नहीं है इसके अंदर सब लोग बताया करो भाई मुझे मुझे कैसे तसल्ला होगा कि मेरी आवाम को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है का सिचुएशन समझ में आए ओके okay ना बाबा ओके okay की रिपोर्ट आगे बढ़ जाऊं अच्छा भैया हमने ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग बना ली लेकिन कम से कम दो और वर्किंग्स मेरे को बनानी पड़ेंगी उसके अलावा मैं सरवाइव नहीं कर सकता उसके अलावा मैं सरवाइव नहीं कर सकता तो दो और वर्किंग बना लू गुडविल और डेफर टैक्स लाइबिलिटी की फिर तो बचा ही नहीं मेरे पास कुछ हाँ तो आ जाओ जरा यहां लिखता हूं और भाई इस बार सपोर्ट कर देना वर्किंग नंबर थ्री, ये वर्किंग नंबर नंबर ये होगी बेटा किसके लिए किसके लिए बना रहा हूं मैं गुडविल सर टी अकाउंट कैसे बनाएंगे एक डेबिट का कॉलम रखो एक क्रेडिट का कॉलम रखो ठीक है फॉर्मेट क्या क्या होता है भाई गुडविल के टी अकाउंट में क्या क्या आता है बताना जरा ओपनिंग कोई बच्चा बोलेगा क्लोजिंग <laughs> ओपनिंग प्लस एडिशन एक्विजिशन ऑफ़ आएगा है ना ऐसा ही है ना अच्छा डिस्पोजल भी आ सकता है इस सवाल में कोई डिस्पोजल है ही नहीं ना हमें तो पता लग गया आप क्यों लिखे पहले तो समझ में आ रहा था अब तो पढ़ लिया ना सवाल लेस इंपेयरमेंट बिल्कुल सही बोला भाई किसी ने लेस इंपेयरमेंट इम्पेयरमेंट रीवैल्युएशन वगैरह गुडविल की पॉसिबल ही नहीं है आ जाएगा क्लोजिंग सिंपली क्लोजिंग अच्छा जब ये तुम निकाल लोगे तो याद रखना भाई एक नीचे टोटल का जरूर बनाना भाई टोटल नहीं बनाओगे ना तुम्हें बड़ा मसला हो जाएगा टोटल जरूर बनाओ डेबिट साइड का टोटल और यही फॉर्मूला कंट्रोल सी कंट्रोल वी बराबर वाले सेल में कर दो तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस जरूर निकालो ठीक है ये बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली आ रही है तुम्हारे पास अच्छा ओपनिंग ऑफ गुडविल किधर से मिलेगा मुझे तो मैं नहीं चल रहा नहीं चल रहा मैंने करके भी देख लिया आपके कहने से ऑल्ड टू नहीं चलेगा खैर मुझे ओपनिंग बैलेंस ऑफ गुडविल किधर से आवेगा एसओ एफ पी से ना वा ये आ गया ओपनिंग 2004 का इंपैक्ट उठा रहा हूं ओपनिंग आपकी खातिर क्लोजिंग बैलेंस फॉरन ले आता हूं तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 447 400 का डन एक्विजिशन ऑफ अ सब्सिडरी सब्सिडरी को एक्वायर करने पे गुडविल आई होगी नहीं इस साल कितनी कितनी गुडविल आई थी इज इक्वल्स टू ऊपर जा रहा हूं थर्टी की ठीक है क्या मेरा सवाल बैलेंस हो रहा है क्या मेरा सवाल बैलेंस हो रहा है क्या मेरा सवाल बैलेंस हो रहा है नो no. इंपेयरमेंट कितनी है डेबिट और क्रेडिट साइड के दरमियान फर्क है क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है थर्टी वन वन हंड्रेड का इसका मतलब इंपेयरमेंट कितनी होनी चाहिए थर्टी वन वन हंड्रेड डन डन हो गया भाई इस इंपेयरमेंट का क्या करेंगे एनी आइडिया इस इंपेयरमेंट का करते क्या है हम कैश के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर एड बैक कर देते हैं बिकॉज दिस इज कैश एक्सपेंस ये समझाना पड़ेगा बेटा पार्ट टू के अंदर एग्जामिनर बोले मुझे कुछ नहीं आता तो भाई हम ही पढ़े हैं तुम्हारे लिए इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल ठीक है इंपेयरमेंट का एम सही कर रहा हूँ भाई इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हेड भी बना हुआ है है मेरे पास ऑफ गुडविल कितना भैया कितना है लिंक लिंक करके करके लेकर लेकर आए आए इज इक्वल्स टू दबा के, के चीजों को जितना लिंक कर करके सवाल करोगे ना एग्जामिनर की तुम्हारी वर्किंग को ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है एक एहसान करो कि एग्जामिनर पे एहसान करो ऐसे कर लो ये देखो थर्टी वन वन हंड्रेड मैंने एड बैक करके एज एन एडजस्टमेंट दिखा रहा हूं मैं ये ठीक है बच्चे ऑल ओके और कुछ करना है या बस फिर आगे बढ़े स्टूडेंट पूछ रहा भाई सर एग्जामिनर को कुछ आता नहीं है तो एग्जामिनर बना कैसे ताल्लुक से सही भाई टैक्स की वर्किंग करनी है किसी ने सही बता दिया भाई वर्किंग नंबर फोर वर्किंग नंबर फोर बोले तो टैक्सेशन की वर्किंग जो कि हम कंबाइंड बनाते हैं भाई तो वही तरीके का डेबिट और क्रेडिट सही है भाई डेबिट और क्रेडिट आ गया कैसे करेंगे भाई फॉर्मेट बताना जरा टैक्सेशन का ओपनिंग फिर एडिशन होगी एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी से रिलेटेड डेफर टैक्स आया था ठीक है टैक्स एक्सपेंस इन पी एन एल फिर पी एन एल आया था फिर आएगा टैक्स पेड और फिर आ जाएगा क्लोजिंग मैंने सही किया है ऐसा ही है ना और मुझे आखिर में एक टोटल तो चाहिए चाहिए होगा इज इक्वल्स टू सम डेबिट साइड कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड द डिफरेंस ऑल ओके ओपनिंग बैलेंस उठा के लेकर आते हैं और याद रखना कंबाइंड उठा के लेके आएंगे कंबाइंड डेफर टैक्स प्लस करंट टैक्स ओपनिंग उठा लिया आपने नोट किया कि मैंने क्रेडिट साइड पे ओपनिंग उठाया है क्यों क्यों करंट टैक्स टैक्स लाइबिलिटी का टी अकाउंट बना रहा हूं तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है और अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड के पर आ जाएगा ये आ गया भाई ऑल गुड भाई डन है ना भाई तो मसले मसाइल तो नहीं है ऑल ओके okay.

माइनस में आ रहा है इसको सही कर लेता हूं ठीक है क्या मेरा टी अकाउंट बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है देखो छोटा बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब यहां पे बैलेंसिंग फिगर डालूंगा फोर वन थ्री टू हंड्रेड की और ये फोर वन थ्री टू हंड्रेड बेटा कहां चला जाएगा हमारे पास कहा आ जाएगा हमारे पास ये

और जो लेना है उसको यहां पे लेके आ रहा हूं माइनस की फिगर में फोर वन थ्री टू हंड्रेड ठीक है अच्छा किसी ने एक सवाल पूछा है और वो सवाल बड़ा सही पूछा है वो ये अरे भाई क्यों गलत निकाल रहा है एक सेकंड मुझे दीजिएगा ज़रा मैं ये सही कर लूँ फिर एक सवाल आया सवाल को कर लूँ सही भाई ये सही हो गया मैंने साइन सही कर लिया और ना गलत आंसर आ जाता खैर एक सवाल आया है भाई साथ की तरफ से सात भाई ये पूछते हैं कि भाई सर क्या ये कलर स्कीम्स जो आप कलर्स यूज कर रहे हैं क्या ये हमें भी करने चाहिए देखिए हाईलाइट कर लेने से फायदा क्या होता है कि आपको जैसे आप अभी कभी रजिस्टर में सॉल्व करते थे ना तो टैक्स पेड को आप अलग से स्क्वायर बना लिया करते थे या हाईलाइट कर लिया करते थे या टिक मार्क डाल लिया करते थे तो उससे आपको याद रहता था कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे हाईलाइट कर लेने से चाहे आप

प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो मुझे कुछ नहीं करना था डिप्रिसिएशन ऑलरेडी ली हुई है इम्पेयरमेंट मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे एग्जामिनर क्या सोचेगा भाई कुछ नहीं सोचेगा एग्जामिनर का क्या ताल्लुक है इससे इन्वेंट्री रिसीबल पेबल्स की मैंने वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर दी हुई थी टैक्सेशन पेड का डिफरेंस मैंने अभी ले लिया यहाँ पे फिर उसके बाद एडजस्टमेंट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने कर ली अगर आप देखें तो मेरे पास एक चीज रहती है अभी भी वो है कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर टूडोस कंपनी इसको कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा तो मैं इसके लिए एक वर्किंग और बना लेता हूं आप लोग के साथ मिलकर वर्किंग नंबर फाइव जो हम कर रहे हैं नेट कैश पेड टू एक्वायर सब्सिडरी यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस Net cash pay to cash ना आपने, हमने दो तरीके से पे किया था इस बार सामने वाली कंपनी कैश कंसिडरेशन कितनी थी याद है किसी को ऊपर जाके देखता हूँ गुडविल की वर्किंग में आ रहा होगा फोर हंड्रेड थाउजेंड और एक करी थी हमने शेयर्स कंसिडरेशन शेयर कंसिडरेशन नॉन कैश है उसको नहीं लेना उसको नहीं लेना सही है ना चार लाख को लेना है इसमें से अपने को नेट करना पड़ेगा यू you नो know, नेट करना पड़ेगा क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ एस कंपनी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन देखो चौबीस हजार नौ सौ का कैश ये लेके आए थे सही है ना उसको नेट कर लेते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड से नेट कैश निकल आएगा नेट कैश पेड टू एक्वायर क्रूडोस कंपनी ठीक है ये थ्री सेवेंटी फाइव वन हंड्रेड को हम ऊपर कॉल कर लेते हैं ऊपर लिंक करा देते हैं यहां लिख देता हूं भाई एक्विजिशन ऑफ सब माइनस में लेके आऊंगा क्योंकि नेगेटिव साइन है आउटफ्लो हुआ होगा 375 100 इज एवरीबडी गुड विद दिस मुझे सब लोग बता दें सब लोग सही हैं अगर सब लोग सही हैं तो मैं रिवाइज्ड बैलेंसेस निकालना शुरू कर दूं मेरे ख्याल से अब और कुछ रहा नहीं है सब सही है ऑल ओके okay? तो रिवाइज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस क्या आएगा सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से उसके अंदर अपनी डेप्रीसिएशन ओहो डेप्रीसिएशन को एज इट इज एड बैक करवाएंगे जैसे आपके एग्जामिनर ने एड बैक करवाया था सम का फॉर्मूला लगा ले ज्यादा बेहतर है थर्टी वन यही सम का फॉर्मूला हर जगह लगा लीजिए आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा एक्स नंबर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया टैक्सेशन पेड का भी सम ले लीजिए बेचे सारे सेल्स का सम कर लो और फिर कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लो तो ये कोई नंबर आ रहा है आपके पास डन बात समझ में आती है आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है ठीक होती है बात भाई डन अच्छा भाई यहाँ पे इसके बाद चल के देख लेना एक्विजिशन आएगी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो एक्ज हम यहाँ पे भी ही लगाएंगे ना भाई सम लगा लेते हैं हमने ऑलरेडी सारी एडजस्टमेंट सही की भी हैं फिर कैश कंसिडरेशन पेड फॉर ट्रूडोस कंपनी इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए वन जीरो सेवन टू सेवन सिक्स जीरो मोस्ट लाइकली क्या है आपका आंसर है मुझे बताएं बात सबको समझ में आ रही है कोई मसले मसाइल तो नहीं है ठीक मुझे बताएं सब लोगों को बात समझ में आ रही है मुझे ओके की रिपोर्ट दीजिए टेक्निकली वी गॉट यू नो गुड फोर्टीन मार्क्स हैव गॉट गुड फोर्टीन मार्क्सर इज एवरीबडी ओके विद अच्छा कितने लोग हमारे सेशन में ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि सर ये फोर्टीन मार्क्स में से मैं बोलता हूं बुरे से बुरा कर लेते हैं ट से कम किसके आते एनी वन सबके ट्वेल्थ तो आते ही आते दो मार्क तो ऐसी फजूल में मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूं वरना ज्यादती है ये दो मार्क भी छोड़ना ज्यादती है शर्म की बात है अगर ये भी नहीं कर सकते ना भाई इतना हलवा सवाल इतना हलवा सवाल भी नहीं कर सकते ना तो भाई फिर आप बातें फिर तो तैयार ही नहीं है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते मुझे बताओ सब लोग कर लेते बारह मार्क आ जाते सबके जिसके नहीं आते वो आप बोल रहे भाई मेरे नहीं आते आप नो लिख दें और जिसके आ जाते आप यस लिख दें सब बताइए आ जाते सबके नहीं आते मैं मैं होता ना मेरे तो आ जाते दो मार्क्स छोड़ा वैसे मतलब कुछ तो छोड़ देना चाहिए मतलब अच्छी बात थोड़ी है कि आपके हंड्रेड मार्क्स एस में आ गए आप जगह जगह आपके पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह मीडिया वाले आपको बुला रहे हैं जगह जगह आपको लोग पे नजर लगा रहे हैं ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना भाई अब मतलब नजर भी लग सकती है ना तो इसीलिए अगर नाइन्टी एट आ जाए तो खैर हंड्रेड ज्यादा हो जाएगा मैंने बोला लेकिन सर सोचने में क्या जाता है सोच ले भाई आप सोच ले हम क्या कर सकते हैं आपकी सोच का ठीक है भाई ठीक है गुड हो गया भाई चलें जी भाई फिर फोर्टीन मार्क्स आ गए तो फोर्टीन मार्क्स के बाद बाकी भी तो लेने वैसे तो बाकी आप कर भी लेते हो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है लेकिन मैंने बोला फिर भी कुछ कर लेते हैं मैं भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर लूँ इसके अंदर भाई इसको बंद करते हैं एग्जिबिट नंबर वन को बंद करते हैं एग्जिबिट नंबर वन को मैंने बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं पार्ट नंबर टू आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ना भाई तो आप पार्ट नंबर टू करेंगे और ये सारी चीजें समझा के लेके आएंगे मुझे सवाल का आंसर का ड्राफ्ट जरूर भेजना देखो फीडबैक लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है फीडबैक नहीं लोगे फंस जाओगे तो ये लेना फीडबैक ठीक है अब फाइनली एग्जिबिट नंबर टू के ऊपर चलते हैं एग्जिबिट नंबर टू की रिक्वायरमेंट ये है एडवाइज द फाइनेंशियल कंट्रोलर आप कर रहे हैं एडवाइज एडवाइज द फाइनेंशियल कंट्रोलर दर टू हाउ द वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द द्राफ्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भाई सवाल समझे या नहीं समझे सवाल क्या है सिक्स मार्क्स की रिक्वायरमेंट है सवाल आई एफ आर एस नाइन के ऊपर प्राइमरीली नहीं है सवाल आई एफ आर एस नाइन के ऊपर प्राइमरीली नहीं है नहीं है नहीं है वो पूछ रहा है कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सही ना फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है उसको कैश फ्लो में प्रेजेंट किस तरह करना है सवाल सिर्फ यह छह मार्क का मतलब प्रेजेंट किस तरह करना होगा या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रेजेंट करना होगा या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्रेजेंट करना होगा या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रेजेंट करना होगा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना तो भाई सिंपल बताने क्या चीज किधर प्रेजेंट की जाएगी और उसके पीछे क्योंकि उसने लिखा हुआ है एडवाइस करो तो लॉजिक के साथ एडवाइस कर देना लॉजिक के साथ एडवाइस कर देना छह मार्क की रिक्वायरमेंट है दो मार्क की होती तो मैं बोलता सिर्फ लिख के दे दो छे मार्क की है, तो समझा भी देना ऐसे क्यों कर रहे ठीक है? है अब देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जिबिट नंबर टू के अंदर है क्या जरा सुनना एग्जामिनर कहता है भैया कैबेलो ग्रुप हैज अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेड विद इन इट्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बड़ा है फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है कहते हैं सम ग्रुप एंटिटीज विच हैड सरप्लस कैश रिसोर्सेस हैड एक्वायर्ड डिबेंचर्स इन अदर नॉन ग्रुप एंटिटीज टू इंक्रीज रिटर्न्स क्या कह रहा है एग्जामिनर एग्जामिनर कह रहा है हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है कुछ ग्रुप कंपनीज जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसे थे उन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है डिवेंचर के थ्रू ये क्या है फाइनेंशियल एसेट है एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट है अच्छा ये फाइनेंशियल एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट किधर नजर आना चाहिए है आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में किधर प्रेजेंट होना चाहिए बताओ ना भाई किधर प्रेजेंट होना चाहिए है किधर प्रेजेंट होना चाहिए है आपने अपना पैसा लगा दिया है किसी और कंपनी के बार ग्रुप से बाहर किसी और कंपनी के डिवेंचर के अंदर किधर दिखाएं अभी बच्चे ने लिखा सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज परचेज ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे लेके आना ना मतलब या पैसे लेके आना या जो पैसे जनरेट किया है उसको वापस करना आपके पास सरप्लस कैश था आपने किसी और कंपनी की डिवेंचर खरीदनी है इन्वेस्टमेंट करी है तो भैया ये क्या है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ये क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कॉमन सेंस की बात है हैव इन्वेस्टेड द सरप्लस कैश इन ऑर्डर टू जनरेट मोर रिटर्न्स इट सीम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डन अच्छा अदर ग्रुप एंटिटीज फाइनेंशियल लायबिलिटी ये कहां जाएगा सेम टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर ही है कुछ ग्रुप कंपनीज ने डिबेंचर खरीदा है और कुछ ग्रुप कंपनीज ने डिबेंचर इशू किया है डिबेंचर को खरीद लेना इज अज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिबेंचर को इश्यू कर देना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये जो कैश लो फॉर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हेड होता है ये आपके डेट और इक्विटी के फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ही तो बात कर रहा होता है वो कोई भी ऐसा काम जो कि आपका साइज या कॉम्पोजिशन ऑफ डेट या इक्विटी चेंज कर दे वो सारे काम जो आपकी डेट या इक्विटी यानी आपकी फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर को मूव कर दे वही तो आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड के अंदर कैश रिलेटेड बात समझ में आ रही नहीं आ रही तो जिन ग्रुप कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करी भी है वो उनकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर नजर आए और जिन कंपनीज ने बोरोइंग करी हुई है उनकी बोरोइंग्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर नजर आए ये लुबे लुबाब है मुझे बताए सब लोग अग्री करते हो डज डवरीबडी एग्री ऑन दिस डन अच्छा मैं आपको बताऊं नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई सी एवरीबडी सीज अंडर और ये बड़ी रिसेंटली मैंने अभी एक रियल लाइफ कंपनी के अंदर भी देखा बिल्कुल रिसेंटली देखा है मैंने मैं आपको बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रियल लाइफ कंपनी की सिचुएशन मैंने सवाल में देख लिया आज एक साहब थे उन साहब ने मुझे बताया वो एक 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 कंपनी के ग्रुप के सीएफओ बन गए जब वो ग्रुप के सी बने तो जब वो सी बने तो उन्होंने बोला कि यार मैंने ये देखा था कि बड़ी ना ग्रुप के अंदर मिसमैनेजमेंट है तो मैंने जब ग्रुप लेवल पे जाके देखा तो मेरे सामने कुछ ग्रुप कंपनीज ऐसी आई जिनके पास सरप्लस कैश था वो बॉन्ड्स के अंदर या इक्विटी शेयर्स के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया करते थे इन ऑर्डर टू जनरेट रिटर्न अच्छा मिसाल के तौर पर वो जनरेट रिटर्न जनरेट करते होंगे टेन परसेंट सही टेन परसेंट हाइपोथेटिकल नंबर ले लिया मैंने ऑन दी अदर एंड कुछ ग्रुप की कंपनीज हैं जो के जो के शॉर्टेज ऑफ कैश के अंदर है उनका वर्किंग कैपिटल में पैसा फंस जाता है या पुअर मैनेजमेंट की वजह से पैसा फंस जाता है या एक्सपेंशन की वजह से पैसा फंस जाता है उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है आउटसाइड द ग्रुप उन्होंने फाइनेंस जनरेट किया हुआ है अच्छा वो जो बोरोविंग कॉस्ट अदा कर रहे हैं बाहर वाली पार्टी को मिसाल के तौर पर ट्वेल्व है कॉमन सेंस क्या बोलता है आपकी कुछ कंपनीज बाहर से लोन लेनी है बारह परसेंट के ऊपर कुछ कंपनीज बाहर इन्वेस्ट कर रही है दस परसेंट के ऊपर और फिर फिर यू नो सिक्योरिटी ये सारी चीजें अपनी जगह तो कॉमन सेंस क्या कहता है अगर ग्रुप फाइनेंस मैनेजर बैठा हुआ हो तो वो बोलेगा भाई जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं ग्रुप के अंदर वो जरूरत से कम वाली सब्सिडी को लोन दे दे और जिसको चाहिए लोन वो अपनी ग्रुप कंपनी से लोन ले ले तो विद इन द ग्रुप ही सारा कैश फ्लो मैनेज होता रहेगा ना 12 परसेंट वाला 11 परसेंट का रिटर्न दे दे 10 परसेंट वाले को 11 परसेंट मिल जाए करेगा भाई सब कुछ विन विन अप्रोच है और सबसे अच्छी बात ग्रुप में ही पैसा रहेगा मैनेजमेंट आसान रेगुलेशन आसान सब आसान कॉमन सेंस की बात है नहीं है लेकिन कभी कभार बड़े लेवल पे मिस आउट हो जाती है तो उन्होंने मुझे बताया सर हमने क्या किया थोड़ी सी जाहिर सी बात है शरीय को मानने के पॉइंट ऑफ व्यू भी था तो उन्होंने बोला कि हमने ग्रुप के अंदर फाइनेंसिंग लाइंस खोली और सबको इंटरेस्ट फ्री कर दिया तो पहली बात तो सूद से भी पाक हो गया और प्लस टेक्निकली अगर मैं एक सब्सिडरी को ये कह रहा हूं ग्रुप लेवल पे बैठ के मैं कह रहा हूं कि तुम दूसरी सब्सिडरी को लोन दो विदाउट इंटरेस्ट तो वो कहने लगे नेट अगर मैं ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक तो मैं सूद से पाक हो गया दूसरी बात ये कि मैंने कंपनी का पैसा बचाया है ग्रुप का पैसा अल्टीमेटली बचाया है मैंने कॉमन सेंस की बात है ना तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि यार ये बिल्कुल वही स्टोरी मैंने देख ली है बिल्कुल ऐसा लगा खैर फाइनेंस मैनेजमेंट का तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो सवाल नहीं है तो रिपोर्टिंग का सवाल है तो फिलहाल हमें समझ में आते हैं भाई बड़ी कॉमन सेंस की बात है जिसने पैसा लगाया हुआ है वो फाइनेंशियल एसेट्स है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा और जिसने पैसा रेस किया है उसका हेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर चला जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से मिसाल तौर पे। के तौर पर लिखा हुआ है कबेलो कंपनी कबेलो कंपनी कौन है भाई तुम्हें पेरेंट कंपनी खुद है कबेलो कंपनी फाइनेंस दी एक्विजिशन ऑफ ट्रूडोज कंपनी बाय एक्वायरिंग अ बैंक लोन हमने जो ट्रूडोस कंपनी को एक्वायर किया वो एक बैंक लोन के थ्रू एक्वायर किया ये बैंक लोन किधर नजर आएगा ये वाला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किधर नजर आएगा ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है ना बैंक लोन किधर नजर आएगा ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और बैंक लोन बजाते खुद कहां आ जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर प्रिटी कॉमन सेंस केबेलो कंपनी ऑल्सो हैड एन ओवर ड्रॉन बैंक बैलेंस एट थर्टी फर्स्ट डिसंबर एक्स फाइव ये जो बैंक ओवर ड्राफ्ट है ये किधर आएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट किधर आएगा ओए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट कैन एनी बडी टेल मी बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आवेगा सब लोग बताओ ना इतने सारे लोग बैठे हो बता ही नहीं रहे ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है ये कैश का पार्ट है ये तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट है ना कैश एंड कैश इक्वलेंट है ओवर ड्राफ्ट इज 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 एंड यू नो इज अ कैश एंड कैश इक्वलेंट ओवर ड्राफ्ट इज अ कैश एंड कैश इक्वलेंट ओवर ड्राफ्ट कैश ही तो होता है और क्या होता है तो हर वो चीज जो कि कैश या कैश के बराबर है वो तो नहीं आएगा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द ड्रॉन बैंक बैलेंस फ्लक्चुएट्स रेगुलरली फ्रॉम इन बैलेंस टू एन ओवर बैलेंस कह रहे हैं हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस फ्लक्चुएट करता रहता है जो भी इस बात की निशानदेही है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है अगर कोई बच्चा मुझसे ये बोलता कि सर ये ओवर जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए क्योंकि आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे होते हैं तो मैं उसको जवाब ये देता कि बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि ये बैलेंस रेगुलरली फ्लक्चुएट करता रहता है यानी कभी हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसे होते हैं तो ओवरड्राफ्ट नहीं होता जरूरत से जैसे ही कम पैसे होते हैं तो ओवरड्राफ्ट जाता है फिर जरूरत से ज्यादा पैसे होते हैं तो पॉजिटिव कैश हो जाता है इसका मतलब ये कोई परमानेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है ये एक टेम्प्ररी बैंक बैलेंस है जो कि कभी कभार नेगेटिव हो जाता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट ही रहेगा मुझे बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है तुम लोगों को ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है क्लियर होती है सबको ये बात सब लोग बताओ भाई क्लियर होती है या नहीं होती है डन है ना भाई सबको क्लियर होती है ना तो मैंने यहाँ पे एग्जामिनर का आंसर अपने पास रख लिया था ऑलरेडी थोड़ा सा एग्जामिनर का है थोड़ा सा मेरा है मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये पढ़ लें मैंने थोड़ा ब्रेक कर करके लिखा है ये पढ़ के मुझे जरा सब लोग ओके okay, डन लिख के कंफर्म करें सब लोगों को इसमें लिखी हुई सारी बात समझ में आ रही है बड़ी कॉमन सेंस की बात है ये मतलब ये छह मार्क भी ना लेके आते ना तो शर्म का मकाम है जब सब पढ़ लें कंफर्टेबल हो जाए तो मेरे को बोलें ओके okay, डन सब लोग बतावेंगे सब लोग बतावेंगे जो मैंने बोला वही लिखा हुआ एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप खुद भी लिख सकते थे इतना पढ़े लिखे हो गए हो इतने पढ़े लिखे हो गए हो अब ये भी नहीं लिख सकते तो तुम्हारी तैयारी है कहां सिंपल बात नहीं फिर तो टॉपिक पे कंट्रोल ही नहीं है अगर इतना भी नहीं लिख सकते यही आंसर है भाई यही आंसर है खत्म ऑल गुड सब लोग प्लीज कंफर्म करें ऑल गुड कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर दैट इज इट वी हैव डन इट बिल्कुल खत्म खल्लास कर दिया सवाल को